भवानी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, प्रभु कि राम कवन प्रभु पूछा तो ही, प्रभु राम कौन है? एक राम को मैं जानती हूँ जिनकी वन लीला देखी थी हमने, जिनकी पत्नी का हरण दुष्ट राक्षस रावण ने किया तो भगवान ने उसका वध किया, लंका पर विजय प्राप्त की। एक राम तो वो है, लेकिन नाथ एक राम और है जिनका नाम आप सदैव दिन रात जपते रहते हैं, जो संत महात्मा है, परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं, वो जिनका नाम सदैव जपते रहते हैं। प्रभु ये दोनों राम एक ही है या अलग अलग है? मैया का यही प्रश्न था। मैया कहती सगुण निर्गुण में भेद है कि नहीं है, ये दोनों अलग अलग है या एक ही है? भगवान ने माँ भवानी के प्रश्नों का बड़ा ही सुंदर से उत्तर दिया, कहा देवी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है। भगवान का कोई अपना स्वरूप नहीं होता, भगवान तो भक्त के कहे अनुसार, भक्त के हृदय में जैसी भावना रहती है, जैसा स्वरूप बनता है, भगवान अवतार ले लेते हैं। भगवान का कोई अपना स्वरूप नहीं है। कि भगत प्रेम बस सगुणा सोई, भगवान सिर्फ अपने भक्त के प्रेम के कारण वो निराकार ब्रह्म जिसका कभी जन्म नहीं होता वो सगुण साकार के रूप में चला आता है। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण। आपने कल कथा श्रवण की ना भगवान शंकर की, जो अपने भक्त के प्रेम के कारण घर पे नौकर बन के आ गए, उन्हें रहा नहीं गया अपने भक्त से मिले बिना। आप भगवान से मिले बिना रह सकते हैं, लेकिन भगवान को अगर कोई सच्चा भक्त मिल जाता है तो भगवान सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते हैं। भगवान अपने कहते हैं कि मेरा मान टले टल जाए कोई परवाह नहीं, मेरी इज्जत भले चली जाए, मेरा सम्मान भले चला जाए, लेकिन मेरे भक्त का सम्मान नहीं जाना चाहिए। एक घटना याद आ रही है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? अरे वाह, जगन्नाथ महाप्रभु, कभी जाइए दर्शन कराइए भगवान का, साक्षात भगवान वही जगन्नाथ, वही की घटना है। भगवान के एक बड़े प्यारे भक्त थे, साधु महाराज थे, संत भगवान थे, तो भगवान कृष्ण उनके साथ प्रतिदिन बातें किया करते थे, अपनी लीलाएं उनके साथ में किया करते थे। एक दिन की ऐसी घटना हुई कि संत भगवान को अपने पास में बुलाया और कहा देखो आज हमारी कुछ इच्छा हो रही है, आज मैं कुछ करना चाहता हूं। तो साधु महाराज ने संत भगवान ने पूछा भाई व्हाट डू यू वांट, अब क्या चाहते हैं? तो भगवान ने कहा भाई मैं चोरी करना चाहता हूं। संत भगवान ने पूछा क्या? कहा चोरी करना चाहता हूं मैं। कहा यही अब बचा हुआ है, अब चोरी करोगे? भगवान कृष्ण ने कहा देखो भाई हम ब्रजवासी हैं और हम ब्रजवासी बड़ा अच्छा खासा भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोजन में कोई कमी नहीं रखते। और यहाँ जब से मैं पुरी में आया हूँ ये यहाँ के लिट्टी खा खा करके मैं परेशान हो गया हूँ और मेरा मन अब मानता नहीं है, मुझे तो भाई चोरी करनी है। तो संत भगवान ने कहा देखो महाराज चोरी करने की आवश्यकता ही क्या है, आप जो बताओ मैं खरीद के ला दूं, आपको खिला दूं। भगवान ने कहा देखो जो आनंद चोरी करके खाने में आता है वो किसी और में नहीं आता है, सीधे सीधे मिल जाए तो वो नहीं अच्छा लगेगा, और हमारी तो बचपन से आदत है चोरी करने की, अपने सखाओं के संग में, अपने मित्रों के संग में, तो आज बड़े दिन हो गए मुझे तो चोरी करके खाना है। संत भगवान ने कहा लेकिन मुझे तो चोरी आती नहीं, मैं करूंगा कैसे? तो
तो भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं बताऊंगा कैसे कैसे चोरी करनी है। भगवान कृष्ण ले गए और जो वहां के राजा थे उनके राजपाट में एक बहुत बड़ा सा बागीचा था, बहुत बड़ा सा बगीचा। भगवान कृष्ण उसी बगीचे में संत भगवान के साथ में पहुंचे। क्या करने पहुंचे? चोरी करने पहुंचे। अब कहीं आम के वृक्ष लगे हुए हैं, कहीं अमरूद के वृक्ष लगे हैं, कहीं सेब है, कहीं कोई फल है, अनेक प्रकार के फल। जब दोनों पहुंचे तो संत भगवान ने पूछा, देखो भाई हमें तो बहुत भय है, बड़ा डर लग रहा है, अगर कहीं पकड़ा गया तो बड़ी कुटाई हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, देखो एक काम करता हूँ, चोरी कैसे करनी है मैं बताता हूँ। तो संत भगवान ने पूछा कैसे करनी? तो भगवान आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, कह देखो मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, मैं आम तोड़ूंगा और आप नीचे रहना, देखते रहना कहीं कोई आया तो नहीं। तो भगवान तो सबसे ऊपर चढ़ गए और संत भगवान थोड़े ही ऊपर चढ़े हुए थे, ज्यादा ऊपर नहीं गए। क्या जैसे माली आए तो तुरंत सूचना देना कि माली अब आ रहा है, भगो यहां से। भगवान आम तोड़ ही रहे थे तब तक संत भगवान ने माली को देख लिया और जैसे ही माली को देखा संत भगवान ने कहा, कन्हैया अरे माली आ रहा है, पकड़े जाएंगे हम। तो भगवान को तो आदत है चोरी करने की, भगवान तुरंत उतरे और अंदर ध्यान हो गए। संत भगवान अब उन्हें तो आदत थी नहीं चढ़ने उतरने की, अब वो वहीं फंस गए महाराज। और जब तक वो पेड़ से नीचे उतरते तब तक तो माली ने पकड़ लिया, अरे चोरी करते हो और कोई और करे तो समझ में आए, साधु संत होकर के चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब ये महाराज बोले क्या बोले, भाई चोरी तो की है, मालियों ने पकड़ा और रस्से में बांध दिया और वो जबरदस्त कुटाई करनी शुरू की उनकी। और जब कुटाई शुरू हुई संत भगवान की तो ये तो कुछ बोले नहीं, कई घंटों तक बांध के रखा संत भगवान को। और उसके बाद कुटाई करने के बाद राजा के पास लेके पहुंचे। जब राजा के पास गए तो राजा चूंकि बड़े भक्त थे और संयोग से जो संत भगवान को पकड़ के लाए वो राजा के गुरु थे। अब जब राजा के पास माली पकड़ के लेके गए, सरकार इन्होंने चोरी की अपने बगीचे में, इन्होंने चोरी की अपने बगीचे में, तो राजा तो पहचान गया, महाराज आपने चोरी की। तो संत भगवान ने कहा, देखो चिंता ना करो, काम ही जब हमने चोरी का किया है तो सीधी सी बात है पकड़ा ही जाऊंगा और कुटाई तो होनी है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है, अब जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो राजा ने पूछा, एक बात बताओ महाराज, आपको चोरी करने की जरूरत क्या पड़ गई? ये आपका पूरा बागीचा है, आप क्यों चोरी की? आप एक बार आदेश कर देते तो पूरा बगीचे का फल आपको दे देते। कहा मैंने चोरी नहीं की, मुझे चोरी करवाई गई जबरदस्ती। कहा आपको चोरी कराई गई? किसने कराई? कहा वही छलिया मोहन है, और दूसरा कौन हो सकता है, उसी ने चोरी कराई। और देखो चोरी तो कराई महाराज, अपने तो निकल लिया, हमें छोड़ दिया, और परिणाम मैं बताऊं यहाँ आके सामने। राजा ने पूछा, बताओ महाराज वो थे कौन जिनके कारण आपको चोरी करनी पड़ी? संत भगवान ने कहा, वो कोई और नहीं था, वो मेरे वृंदावन बिहारी लाल थे, वो मेरे जगन्नाथ प्रभु थे, वो मेरे बिहारी जी थे, वो मेरे श्री ठाकुर जी थे। राजा ने जैसे ही सुना कि मेरे बागीचे में भगवान चोरी करने के लिए आए थे, मेरे बागीचे में भगवान फल खाने के लिए आए थे, उस राजा ने कहा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, अब जाकर के भगवान से कह देना कि उन्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और पूरा बागीचा ही जगन्नाथ महाप्रभु के नाम लिख दिया, पूरा बागीचा ही भगवान को दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान को। आप दे सकते हैं क्या?
कौन कौन दे सकता है भगवान को, कौन कौन भगवान के नाम फ्लैट लिख सकता है। अरे वाह वाह वाह, पूर्णिया वाले तो बड़े प्यारे हैं। देखो किसी को फ्लैट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जिस घर में रह रहे हैं ना उसी घर को भगवान का घर समझिए, किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं उसे ही अपना नहीं, उसे श्री ठाकुर जी का घर मान के रहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारी मकान है, ये हमारा फ्लैट है, ये हमारा है, ये हम की जो भावना है, मैं की जो भावना है, इससे बचे रहिए। जो भी है सब श्री ठाकुर जी का है, सब जगन्नाथ महाप्रभु का है। उस राजा ने भी अपना पूरा बागीचा लिख दिया भगवान के नाम, प्रभु लीजिए मुझे नहीं चाहिए, ये सब आपका ही तो है, और देना क्या है, किसको देना है, जब सब भगवान का ही है तो हम दें किसको, प्रभु ये लीजिए आप।